नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं मराठी अक्षर भारती की दूसरी इकाई से 15वां अध्याय खरा नागरिक यह लेकर आई हूँ। आज हम इस लेसन की व्याख्या देखेंगे। इस लेसन को लिखा है सुहास बालटक्के जी ने। सबसे पहले हम इनके बारे में इनका परिचय देख लेते हैं कि प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार, वड़ापाव कोकणातल्या आडवाटा, कोकणातली देवालय, कोकण निसर्गयाग, साध मयुराची इत्यादी पुस्तके, प्रसिद्ध किशोर लोकनाट्य, भटकंती, वसंत ह्या मासिकांमधून विपुल लेखन, उत्कृष्ट बालसाहित्य पुरस्कार प्राप्त। म्हणजे इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं जो नाम दिए हुए हैं, साथ ही साथ इनको उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। प्रस्तुत पाठात लेखकाने शालेय विषय अभ्यासताना ते फक्त अभ्यासायचे नसून त्यातील मूल्य आचरणात आणायचे असतात हे निरंजनच्या व्यक्तिरेखातून स्पष्ट केले आहे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्कूली जीवन में पढ़ते समय वो सिर्फ पढ़कर पढ़ाई को सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके अंदर के जो मूल्य हमको मिले हुए रहते, वैल्यूज हमें उन लेसन से, उस पढ़ाई से मिली हुई रहती है, उसको अपने आचरण में, दैनिक जीवन में लाना चाहिए। ये निरंजन के व्यक्तिरेखा में से, यानी निरंजन के कैरेक्टर में से हमको हमारे सामने स्पष्ट किया है। निरंजन ने दाखवलेले प्रसंगवधान उल्लेखनीय है। निरंजन ने इसमें जो भी इंसिडेंट दिखाए हैं और किस तरीके से उसने उन घटनाओं का सामना किया, वो यहाँ पर उल्लेखनीय है, देखने के लायक है ना, या पढ़ने के लायक है। अब हम देखते हैं कि क्या इसकी व्याख्या क्या है। तो निरंजन आज भल्या पहाटे उठून अभ्यासाला बसला होता, यानी निरंजन आज बहुत सुबह सुबह यानी अल सुबह उठकर पढ़ने के लिए बैठ गया था। आज शेवटचा नागरिक शास्त्राचा पेपर, आज आखिरी नागरिक शास्त्र का अर्थात सिविक्स का पेपर था, तो झाला की संपली परीक्षा, उतना हुआ कि परीक्षा खत्म हो जाएगी। इतिहास, भूगोल आणि नागरिक शास्त्र तिन्ही विषयांचा केवढा अभ्यास करायला लागतो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स तीनों विषयों का कितना पढ़ाई करना पड़ता है, त्यात हे नागरिक शास्त्र जरा अवघडच, और उसमें ये नागरिक शास्त्र अर्थात सिविक्स जो है वो थोड़ा कठिन ही होता है। पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते हा भरसावळे गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता। वो बोलते हैं सुबह उठकर पढ़ो तो वो पढ़ने का एक योग्य समय होता है। ये जो एडवाइस उनको भड़सावले गुरुजी ने दी थी, एडवाइस ये एकदम योग्य थी, यानी एकदम सही थी। सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूब छान होता। वो बोलते हैं सुबह के ताजे और प्रसन्न यानी आल्हाददायक वातावरण में पढ़ाई खूब अच्छी होती है। शरीर ही पुरेशा विश्रांति मुळे ताजतवान बनलेलं असतं, शरीर को भी पूरी विश्रांति आराम मिल जाता है, इसलिए वो ताजा बना हुआ होता है। प्रसन्न वातावरणामुळे मन ही अभ्यासात चटकन लागू शकतं, और क्योंकि चारों तरफ वातावरण एकदम प्रसन्नता का रहता है, इसलिए पढ़ाई में जो मन है एकदम जल्दी से लग जाता है ना, चटकन यानी जल्दी से, है ना। हवेत सुखद गारवा असतो, सुबह के समय हवा एकदम मंद मंद ठंडी ठंडी होती है। सुखद दुरून एखादी भूपाळी किंवा रेडिओवरचं आवडतं भक्तिगीत ऐकून येत असतं। दूर से कभी कभी कोई भूपाळी राग या फिर रेडिओ पर से कोई भक्तिगीत सुनाई देता है, ते नसेल तर पक्ष्यांचं सुमधुर संगीत साथीला असतंच। अगर वो न हो तो पक्षियों का फिर जो मीठा मीठा संगीत है, मधुर संगीत है, वो तो साथ में रहता ही है। अशा आल्हाददायक वातावरणात संस्कृत का एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो। ऐसे प्रसन्नतादायक वातावरण में संस्कृत का भी कोई श्लोक अगर याद करने बैठे तो फटाक से याद हो जाता है। एरवी न कळलेलं गणित चटकन कळतं। अगर हमें कोई गणित का सवाल कभी समझ में न आया हो, कळलेलं मतलब न समझ में आया, तो वो तुरंत ही समझ में आ जाता है। त्याची रीत ही लक्षात राहते, उसके जो फॉर्मुलाज रहते हैं वो भी हमको याद रह जाते हैं। हाँ, निरंजन का अनुभव, ये निरंजन का खुद का स्वयं का एक्सपीरियंस है, त्यामुळे भड़सावले गुरुजी का हा सल्ला त्याला मोलाचा वाटे, और इसीलिए उसको भड़सावले गुरुजी ने दिया हुआ ये सल्ला बहुत, ये जो उन्होंने एडवाइस दिया था ये उसको बहुत कीमती लगता था। निरंजन की गुरुजी पर अपार श्रद्धा होती, उसके गुरु पर अर्थात उसके टीचर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो गुरुजी से ही निरंजन पर खूब प्रेम होता। वैसे ही गुरुजी का भी जो है निरंजन के ऊपर बहुत प्रेम था, वो उसको बहुत मानते थे। तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता, वो उनका प्रिय विद्यार्थी था, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही, क्योंकि वो कोई भी काम करता था वो बड़े अच्छे से करता था, प्रामाणिकपणे से विश्वास के साथ में करता था, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता था। या जगात त्याचं असं कोणी नव्हतं, उसका कोई इस जग में नहीं था। दूर दूर
त्याच्या नात्यातल्या एका मावशीच्या घरी, चिपळूण शहरालगतच्या एका उपनगरात तो राहायचा. याने दूर दूर की नाते मे रिश्ते में कोई उसकी मौसी थी, उसके घर चिपळूण, उसका जो घर था वो चिपळूण शहर के पास का एक नुबर उपनगर था, वहाँ पे वो रहता था. गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्याशी हे मावशीचं घर होतं. गाव से दूर और पहाड़ों के तले में उनका घर था. यानी पहाड़ों के जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, पहाड़ों के पायथ्याशी मतलब पेड़ों के पहाड़ों के पेड़ के पास में. आई वड़ील लहानपणीच वारले. उसके माँ बाप जो है बचपन में ही गुजर चुके थे. काही दिवस मामा ने संभाळ केला, कुछ दिन तक उनके मामा ने उनको संभाला आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूणला आणलं. और फिर उसको काम के लिए काम करने के लिए कह के चिपळूण को ले आए. ह्या मावशीकडे आणून सोडलं, इस मौसी के यहाँ लाकर छोड़ दिया आणि तोही मुंबईला निघून गेला तो कायमचाच. और फिर वो मुंबई चला गया, वो भी कायमचाच मतलब हमेशा के लिए. जाताना मुलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला. जाते समय एक किमती सल्ला, किमती एडवाइस उसको देकर गया. रडत बसू नको, रोता मत बैठना, शेण गोठा वगैरह जी पडतील ती सारी कामं कर. याने शेण याने कावडंग, कावडंग है गोठा, याने जहाँ पर गाय को बांध के रखते वो जगह. तो वहाँ के जितने भी काम हो, जो तेरे हाथ में आए, जो तुझे कहा जाए वो तू कर लेना. मावशी देईल ते खा आणि इथंच रहा. जो मौसी दे देगी वो खा लेना और यहीं पर रहना. मावशी तुला शाळेतही घालणार आहे और ये मौसी तुझे स्कूल में भी भेजेगी, ऐसा उसको बता दिया. मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही, मात्र लहानगा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा. मामा गया वो फिर से कभी वापस नहीं आया, पर छोटा सा निरंजन मौसी के घर प्रामाणिकपण से काम करने लगा. याने विश्वास के साथ में अच्छे से एकदम मेहनत करके कार्य करने लगा. घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतलं. घर में के सबके साथ में उसकी अच्छी गट्टी जम गई आणि शाळेत नाव दाखल केलं और उसका स्कूल में ॲडमिशन हो गया. मावशीची परिस्थिती यथातथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा. अब जो मावशी यानी उसकी जो मौसी है, उनकी परिस्थिति एकदम हलाकी की थी, एकदम गरीबी की थी, जेम तेम परिस्थिति थी. इसलिए निरंजन को हर एक दिन किसी के यहाँ खाने पे जाना पड़ता था. जैसे आज इसके यहाँ, कल उसके यहाँ, ऐसे उसके बाहर लग गए थे. और उस समय गाँव में ऐसा था कि सब एक दूसरे की मदद कर देते थे, है ना. तो इस तरह वो सबके घर के काम भी कर देता और उनके यहाँ खाना भी मिल जाता उसको. पहिल्या वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून भडसावले गुरुजींनी त्याला थोर मोठ्यांच्या घरी वार लावून दिले. पहिले ही साल उसकी पढाई में की प्रोग्रेस देख कर भडसावले गुरुजी ने उसको छोटे बड़े लोगों के यहाँ वार लगा कर दिए. किस चीज़ के लिए? खाने के लिए और काम करने के लिए. दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा. हर दिन एक एक के घर पर जो है दोपहर के टाइम पे निरंजन मेहमान बनकर खाना खाने जाता था. मग तिथुन शाळेत, फिर वहाँ से स्कूल में. संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचा. शाम को उसके मौसी के घर पर जो भी खाने को मिले वो वही खाकर रह जाता था. सकाळी लवकर उठून घरातली गोठ्यातली सारी कामं आटपून अभ्यासाला बसायचा. सकाळी याने सुबह एकदम जल्दी उठकर घर में की सब काम, गोठे में की जहाँ गाय बंदी रहती वहाँ के सब काम निपटा कर फिर वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता था. गुरुजींवर श्रद्धा ठेवायचा आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटकवायचा. गुरुजी के ऊपर बहुत विश्वास रखता था और परीक्षा में हमेशा उसका पहला नंबर आता था. त्याच्या वह्या पुस्तकांचा खर्च भडसावले गुरुजीच करायचे. उसकी कॉपी किताबों का जो भी खर्चा होता था वो भडसावले गुरुजी खुद ही देते थे. गुरुजी ने त्याला सांगितलं. गुरुजी ने उसको बोला था की जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे, जब तक तेरा पहिला नंबर आएगा तोपर्यंतच मी सारा खर्च करील. तभी तक मी तेरा सब खर्च उठाऊंगा आणि वारही लावून देईल और मैं सबके घर पे तेरे खाना खाने के वार भी लगा के दूंगा. नाही तर नाही, नाही तर फिर नाही. गुरुजींचे हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटून अभ्यास करायचा. और गुरुजी की बात सुनकर निरंजन जो है मेहनत से सारे काम करके और झटून ने खूब कष्ट करने के बाद में भी मन लगाकर पढ़ाई करता था. आज नागरिक शास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर चांगले केले असल्याने तो मनोमन खुश होता. आज जब वो सिविक्स की पढ़ाई कर रहा था तो पहले के सब पेपर उसके बहुत अच्छे गए, इसलिए वो मनी मन में बहुत खुश था. नागरिकांची कर्तव्य कोणती, यानी जो हमारे सिटीजन्स होते हैं उनकी क्या क्या लायबिलिटीज होती, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. उत्तम नागरिक कोणाला म्हणायचे, यानी उत्तम नागरिक या बेस्ट जो सिटीजन होता है वो कौन होते हैं, किसको कहना चाहिए. लोकसभा म्हणजे काय, ग्राम पंचायत त्याचा प्रमुख कोण असतो, याने ग्राम पंचायत का मेन कोण रहता है. सारे प्रश्नांची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती. इन सब प्रश्नों की उत्तरे उसको अच्छे से आती थी. अभ्यास करता करता किती वेळ लोटला कोण असतो, पडते पडते कितनी देर हो गई पता नहीं. निरंजन ताडकन उठून उभा राहिला. एकदम से वह उठकर खड़ा हो गया. 9 वाजून गेले होते, 9 बज गई थी. 10:30 परीक्षा, 10:30 को एग्जाम शुरू होने वाला था. त्याआधी देशमुखाकडे जायचं होतं. उसके पहले देशमुख के घर जाना था. केवढं तरी लांब चालायचं होतं, कितना दूर तक चलना था. भरा भर आवरून तो निघाला. फटाफट उसने सब अवेर लिया, अपने
बुक्स वगैरह सब ले ली और निकल पड़ा। अभी आगे देखिए, मावशीच घर गावाबाहेर डोंगरा पायथ्याशी, मौसी का घर जो था गाँव के बाहर जो है पहाड़ों के पेड़ के पास में था। मध्य एक नदी ही लगायची, बीच में एक नदी भी लगती थी। पूर्वी ही नदी नाल्यात पाण्यात उतरूनच चालत चालत पार करायला लागायची। पहले तो ऐसा था कि ये नदी में पैदल चल के उसको पार करना पड़ता, परंतु आता कोकण रेलवे आल्याने रेलवेचा छान पुल नदीवर आला, परंतु अब कोकण में रेलवे आ गई है और इसलिए उसका पुल जो है ब्रिज जो है नदी पर बन गया। पुलाच्या एका बाजूने लोकांसाठी पायवाटे ही ठेवली होती। पुल के एक बाजू में एक साइड में लोगों को पैदल चलने के लिए पायवाट भी रखी हुई थी, यानी पायवाटे ने पैदल चलने का रास्ता। या पुलामुळे आता जाणं येणं सोपं झालं होतं, इस कारण वहां जाना आना अब इजी हो गया था। निरंजन अभ्यासाची मनातल्या मनात उजळणी करत झपाझप चालत होता। निरंजन मन ही मन में जो पढ़ाई की थी उसके सब क्वेश्चन आंसर को दोहरा रहा था और झपाझप याने बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। वाटेत त्याला भला मोठा दगड़ पडलेला दिसला, रस्ते में उसे बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ मिला। कोणीतरी कामासाठी घेतला असेल, किसी ने वो पत्थर जो है काम के लिए लिया होगा आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल। और वापस से वैसा का वैसे ही वहां पे पड़ा रहने दिया। निरंजन ने तो दगड़ उचलून बाजूला ठेवला। निरंजन ने वो पत्थर उठाया और उसको बाजू में रख दिया। त्याला लोकांच्या ह्या बेफिक्री प्रवृत्तीचा भयंकर राग आई। उसको लोगों की इस बेफिक्री मतलब क्या बोलते हैं उसको बेपरवाही का बहुत गुस्सा आता था। तुम्हें विसरलात, वो बोलता है तुम्ही जो ये पत्थर उठाया ऐसे करने ऐसे काम करने वाले लोग क्या करते वो स्वयं भूल जाते, पण दूसरा ठेचकाळून जीवाला मुक्त त्याचं काय, परंतु दूसरा कोई अगर ठेस लग के उस पर गिर जाए और अपनी उसकी जान गंवानी पड़े उसे तो फिर क्या, असंच त्याचं म्हणणं। ये उसका कहना था। निरंजन पुलावर पोहोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत। जब निरंजन पुल पर ब्रिज पर पहुंचा तब 9:30 हो गए थे। आता 9:50 की गाड़ी येईल। अब उसने कहा 9:50 की गाड़ी आने वाली, धाड़ आवाज करत दिमाखात पुलावरून जाईल और धाड़ आवाज करती बड़ी ग्रेसफुली वो वहां से निकल जाएगी। ही कोकण गाड़ी किती छान दिसते, वो बोले ये गाड़ी कितनी अच्छी दिखती है, पण दिसते ना दिसते तोच लगेच बोगद्यात शिरते, परंतु ही दिखती है नहीं दिखती है तब तक सीधे टनल में घुस जाती है। काय मजा येत असेल ना ही गाडीतून जायला, वो बोले कितना मजा आता होगा ना गाडी में से जाने के लिए, आपण ही मोठं झाल्यावर गाडीतून फिरो, बोले मे भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं गाड़ी में से घूमूंगा। या विचाराने तो हुरळून गेला और ये विचार आते से वो बड़ा खुश हो गया मनी मन। तो त्याचं लक्ष डाव्या बाजूस रुळाखाली पडलेल्या भल्या मोठ्या भागदाळाकडे गेलं। तो तभी उसका ध्यान एकदम से लेफ्ट साइड में जो रेलवे की पटरी है उसके नीचे पड़े हुए बड़े से खड्डे पर गया। हे छिद्र कसं हे भगदाळाकडे, भगदाळा याने बड़ा सा छेद, हे छिद्र कसलं, वो बोला की छेद के सामने रोज नसत बुआ, रोज तो ये नहीं होता भाई यहाँ पे, असं म्हणणं त्यानं जवळ जाऊन पाहिलं तो कुणीतरी कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेचे रूट वाकडे करून ठेवायचं त्याच्या धानी आलं। ऐसा बोलते बोलते जब वो पास वगैरह देखा तो सीमेंट से जो रेलवे रूट को पक्का करके रखा हुआ रहता है वो तोड़ कर किसी ने रेलवे रूट को जो है आढ़ा तेढ़ा करके रख दिया था। और वो भी आज निरंजनला आश्चर्य वाटलं, आज निरंजन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा कैसे रात्रि 2 वाजता शेवटची गाडी इथून जाते। उसने सोचा मन में रात को 2 बजे आखिरी गाड़ी जाती है यहां से। त्यानंतर पहाटेस कोणीतरी हा उपद्व्याप जाणीवपूर्वक केला असावा। फिर उसके बाद में सुबह पहाटेस यानी सुबह किसी ने ये उपद्व्याप यानी नको ते काम यानी फालतू का जो काम है वो जानबूझकर किया हुआ लग रहा है। आता प्रवाशांनी भरलेली 9:50 ची गाड़ी येईल। अब प्रवासों से पैसेंजर से भरी हुई जो 9:50 की गाड़ी है वो आएगी। निरंजन एकदम सावध झाला, अब वो एकदम अलर्ट हो गया। जैसे उसको लगा इतने लोग वो गाड़ी में बैठे हुए रहेंगे, वो गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा, ये एकदम वो ये सोचकर अलर्ट हो गया। आली तर भयंकर अपघात होईल, उसने बोला यहाँ तो भयंकर अपघात यानी एक्सिडेंट हो जाएगा, हे त्याच्या लक्षात आलं। निरंजन नागरिक शास्त्राचा पेपर, देशमुखांकडचं जेवण सारं विसरला। अब वो अपना सिविक्स का पेपर और देशमुख क्या खाना खाने जाना था वो सब भूल गया। त्याच्या डोळ्यासमोर धाड़ आवाज करत येणारी रेल्वे गाड़ी दिसू लागली आणि कानठड्या बसवणारा आवाज आणि लोकांच्या किंचाळण्याचा किंकाळ्या कानात घूमू लागल्या। अब उसको धाड़ करके सामने से आती हुई कोकण रेलवे दिखने लगी और साथ में उसके कान बैठ जाए इतनी भयंकर लोगों की जो है क्या बोलेंगे उसको भयंकर किंकाळ्या यानी आरडा ओरडा उनका चिल्लाना रोना धोना वो सुनाई आने लगा। स्टेशन इथून खूप दूर होतं, स्टेशन वहां से बहुत दूर था, 3-4 किलोमीटर तिथपर्यंत सांगायला जायचं तर परीक्षा बुडणार होती। अगर वो 3-4 किलोमीटर चल के जाता तो उसकी परीक्षा वो नहीं दे सकता था, मग
वापस फिर फेल हो जाता, भड़सावले गुरुजी की मदद बंद, शिक्षण ही बंद, फिर गुरुजी की मदद बंद और पढ़ाई भी बंद हो जाती, रेलवे ने फिराचं स्वप्न अधूरा रहना, तो फिर जो बड़ा होकर उसको रेलवे में घूमना था वो उसका सपना भी तो अधूरा रह जाता। परंतु मन मानायला तैयार नव्हतं, पर उसका मन मान्य ही रहा था। त्याने क्षणभर विचार केला आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव घेतली। उसने 2 मिनट के लिए विचार किया, क्षणभर के लिए, आणि फ्यू सेकंड्स के लिए विचार किया और फिर वो स्टेशन की तरफ भाग पड़ा। दोन तो स्टेशन शिरला तेव्हा 9:50 ची गाडी नुकतीच आली होती। जब वो स्टेशन में घुसा तभी देखा तो 9:50 की गाड़ी जस्ट तभी नुकतीच आणि जस्ट तभी आई हुई थी। आता 5 मिनटातच ती सुटणार होती और 5 मिनट के बाद ही वो छूटने वाली थी। निरंजन ने धावतच स्टेशन मास्टरांना गाठलं। उसने भाग कर स्टेशन मास्टर को पकड़ा, त्यांना पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळाबद्दल सांगितलं, उनको जो रेलवे रूट है उसके बारे में बताया, पण ते त्यांना खरंच वाटेना, पर उनको सही नहीं लग रहा था। अखेर निरंजन ने आर्जव केली। आखिरी में निरंजन ने बड़ी उनसे निवेदन किया, उनसे कि निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाडी सोडू नका, कम से कम देख के आ जाओ, तब तक गाडी मत छोडो, पहिले देखतो लो एक बार, मी खोटं बोलत असेन तर मला पोलिसांच्या ताब्यात द्या। उसने कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे पोलिस के पास दे देना, मुझे पोलिस से पकड़वा देना। एवढं बोलल्यावर स्टेशन मास्टरही त्याच्या बोलण्यात तथ्य वाटू लागलं। उसके बाद में स्टेशन मास्टर को भी जो है उसके बोलने में कुछ ना कुछ सच्चाई दिखने लगी। उगाच धोका नको म्हणून गाडी थांबवायला सांगून ते पुलाकडे निघाले। उन्होंने सोचा, फालतू में क्यों अपन रिस्क मोल ले, इसलिए उन्होंने कहा कि गाड़ी को अभी थोड़ी देर के लिए रुकाओ यहीं पे, और फिर वो जाकर वो ब्रिज के पास देखने लगे। निरंजन ने नेम की जगह दाखवली। निरंजन ने अब उनको वो जगह बताई जहां उसने देखा था सब। फारस भयंकर, कल्पना करता येणार नाही असा भयंकर अपघात झाला असता। उन्होंने बोला, बाप रे, फारस बहुत ही भयंकर है, तो कल्पना भी नहीं कर सकते इतना भयंकर एक्सिडेंट यहां हो सकता था। स्टेशन मास्टरांनी लगेचच गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याचा आदेश दिला आणि ते ह्या घटनेचा पंचनामा करायला लागले। उन्होंने तुरंत वो गाड़ी को यानी ट्रेन को जो है लंबे समय के लिए वहां रुकने का आदेश दिया और उसके साथ ही वो जहाँ पे जो वो जो इंसिडेंट है वहाँ पे पंचनामा है ना, 5 लोगों को लेके वहाँ पे इंसिडेंट्स इविडेंस जो रहते हैं वो उस इंसिडेंट के इकट्ठे करना है ना, वो कार्य रहता है, तो वो करने लग गए। घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सारे अधिकारी तत्काळ त्या ठिकाणी जमा झाले। याने घटना इतनी सिरियस थी किंवा सब अधिकारी आगे पहिली खबर देणारा म्हणून निरंजनलाही थांबावं लागले। सबसे पहिले जो है निरंजनने ही खबर दी थी, इसलिए फिर अब निरंजन को भी वहाँ पे रुकना पड़ा। एवढा मोठा अपघात त्याच्या चाणाक्षपणामुळे टळला म्हणून त्याचं कौतुकही झालं। इतना बड़ा जो दुर्घटना है वो उसके चतुराई के कारण, चाणाक्षपणाने चतुराई उसके कारण टल गया, टळला मतलब टल गया, इसलिए उसकी बहुत प्रशंसा हुई, कौतुकाने प्रशंसा। परंतु त्यावेळी निरंजन मात्र दूर एका झाडाखाली बसला होता, तो निराश झाला होता, त्याचा नागरिकशास्त्राचा पेपर चुकला होता। परंतु ये सब हो रहा था तब वो एक झाड़ के नीचे जाकर बड़ा निराश बैठा हुआ था, क्योंकि उसका सिविक्स का पेपर जो है वो छूट गया था, तो नापास होणार होता, वो फेल होने वाला था। त्याला गुरुजींकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सवलती बंद होणार होत्या। उसको गुरुजी की तरफ से मिलने वाली सभी सवलतियां, जितने भी कन्सेशन थे वो सब बंद होने वाले थे। निरंजनच्या जवळ येऊन वार्ताहरांनी त्याचं नाव विचारलं, फोटो काढला। निरंजन उदास मनाने घरी परतला। वहाँ पर जो है पत्रकार संवाददाता जो रहते हैं वो आए, उन्होंने उसका नाम पूछा, उसका फोटो निकाला और उसके बाद उदास मन से जो है निरंजन घर पर आ गया, क्योंकि उसका मन तो ये हो रहा था कि अब मुझे आगे पढ़ने नहीं मिलेगा। दूसरे दिवसी वर्तमान पत्रात निरंजनाची स्तुति फोटो सकट छापून आली होती। दूसरे दिन देखा तो समाचार पत्र में उसका वर्तमान पत्र यानी समाचार पत्र उसके अंदर उसकी जो प्रशंसा छपी हुई थी फोटो के साथ में, भीषण अपघात टाळल्याचं श्रेय त्यालाच देण्यात आलं होतं, ये इतना भयंकर जो एक्सिडेंट है उसको टालने का जो श्रेय है क्रेडिट है वो उसको देने में आया था। त्या दिवशी मावशीच्या घराकडे मोठमोठी माणसं आली होती। उस दिन उसकी मौसी के घर पे बड़े बड़े लोग आए, खुद जिल्हाधिकारी आले, जिल्हाधिकारी आए, शाळेचे मुख्याध्यापक आणि भडसावळे गुरुजी ही आले, मतलब मुख्याध्यापक आणि हेडमास्टर और भडसावळे गुरुजी भी आए। निरंजन ने धावत पुढे होऊन गुरुजींचे पाय धरले, उसने भागते हुए गुरुजी के पैर पकड़ले, रड़त रड़त तो म्हणाला आणि रोते रोते वो बोला, गुरुजी मी नापास होणार, आता मी फेल हो जाऊंगा, आता काल माझा कालचा नागरिक शास्त्राचा पेपर बुडाला हो, माझा कालचा जो पेपर होता सिविक्सचा तो बुडाला, तो मी देऊ शकलो नाही, वो मी दे नाही पाया। नाही रे बाळा, वो बोले की नाही रे बच्चा, ऐसा नाही, तू उत्तम नागरिक आहेस, तू तो बहुत अच्छा नागरिक आहे, शेकडो माणसांचा जीव वाचवलास, तूने तो कैसो लोगों का जान जो है वो बचाई है, आणि नागरिक शास्त्राच्या खऱ्या खुऱ्या परीक्षेत तू पास झालास, याने नागरिक शास्त्र की जो
सही सही परीक्षा रहती है ना। वास्तव में नागरिक शास्त्र क्या है, हमको सिखाता है कि हमको रोजमर्रा के जीवन में कैसे जीना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य क्या ड्यूटीज है वो हमको बताता है। तो उसमें तो तू सच्ची में पास हो गया, तू तुझे वर्ष कसं वाया जाईल, तेरा ये साल कैसे फालतू जाएगा। हे बघ, शाळेचे सगळे अधिकारी आलेत, ये देख स्कूल के सब अधिकारी आ गए, खास बाब म्हणून तुझी नागरिक शास्त्राची परीक्षा उद्या घेतली जाणार आहे। और खास बात यानी विशेष बात ये है कि तेरी नागरिक शास्त्र की जो परीक्षा है वो कल लेने वाले हैं। जिलाधिकाऱ्यांनी तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश द्यायचं ठरवलंय, और जिले के जो अधिकारी है उन्होंने तुझे गवर्नमेंट के हॉस्टेल में एडमिशन देने का तय किया है। आणि वर वह्या पुस्तकांचा खर्चासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे, और फिर आगे तेरे को नोटबुक और टेक्स्टबुक या कॉपी किताबों के खर्चे के लिए जो है स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। आता नको हाँ तुला वार लावून जेवायला। फिर वर्षावले गुरुजी उसको प्यार से बोलते हैं, अब तुझे नहीं यहाँ जाना पड़ेगा किसी के घर पर रोज रोज खाना खाने को वार लगा के, आज इसके यहाँ कल उसके यहाँ, असं म्हणून गुरुजींनी निरंजनला हृदयाशी धरलं। ऐसा बोल के गुरुजी ने जो है निरंजन को अपने सीने से लगा लिया, तेव्हा साऱ्यांचेच डोळे पाणावले और उस समय सबकी आंखों में पानी आ गया था। ये जो लेसन है साध मयूराची इसमें से लिया गया है, इस संग्रह में से लिया गया है। तो विद्यार्थियों मुझे पूरा पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको खरा नागरिक लेसन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस परेशानी को दूर करने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगी। इसलिए अब आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर शेयर करके पढ़िए। अच्छे से घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहकर और पढ़िए। धन्यवाद, नमस्ते।